हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के तीन जानविक्स क्वेश्चंस का पार्ट फाइव करने वाले हैं, जो कि अपन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। आप चाहे SSC, रेलवे, CDS, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SSC रैंकर सड्डा को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं आज की शुरुआत। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सीधे किसके अनुपातिक होता है? तो न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्व के नियम के अनुसार है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के वो अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बड़े पैमाने के ढांचागत परिवर्तन के प्रतिरोधी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे शील्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ से शुरू हुई थी? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 18 फरवरी 2020 को नई दिल्ली से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है, ये सही आंसर है। इसके साथ साथ में यह 23 फरवरी 2020 तक इंदिरा गांधी स्टेडियम के KD यादव हॉल में ये हुई थी और इस आयोजन में कुल 30 भार वर्ग होंगे, जिसमें फ्री स्टाइल पुरुष, महिला और ग्रीको रोमन प्रत्येक के 10 वर्ग होंगे और चैंपियनशिप ग्रीको रोमन घटनाओं के साथ शुरू होगी। इसके बाद महिलाएं कुश्ती और पुरुषों की फ्री स्टाइल होगी। ठीक है, तो फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है वो नई दिल्ली में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो महानदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, महानदी है ये पूर्व मध्य भारत से निकलती है। ये लगभग 141,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और कुल 858 किलोमीटर का इसका जलमार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया हालांकि कंपनी ने उन्हें बताया था कि यहाँ एक रिक्ति है, लेकिन उनमें से किसी के पास काम के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को सृजनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन के दौरान प्रोग्राम और डेटा को निम्न में से कहाँ होना चाहिए? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को रैम के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है मुख्य मेमोरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी है इसको, जो इसको रैम के रूप में भी जाना जाना जाता है। इसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एकीकृत सर्किट से निर्मित होता है और अपनी सूचनाओं को बनाए रखने के लिए उसे विद्युत शक्ति की भी नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने हज 2020 की पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया है? तो भारत में है ना, ये सबसे पहले शुरू किया गया है। भारत में 100% डिजिटल हज प्रक्रिया भारतीय मुसलमानों के लिए ईज ऑफ डूइंग हज के सपने को पूरा कर दिया है, भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये सही आंसर है। भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने हज 2020 की पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया है। साथ ही में ये बात भी नोट करो कि 2020 में पहली बार 21,000 से अधिक मुस्लिम महिलाएं बिना महरम या पुरुष साथी के हज पर जाएगी, मतलब वो बिना हजबैंड के वो है हज पे जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है, यह 2020-21 में एक अभूतपूर्व है, मतलब कितने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है? तो इसरो है ये 10 उपग्रहों के लॉन्च करने का कर रहा है। ठीक है, इसरो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है, ये 2020-21 में एक अभूतपूर्व है, 10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में लॉन्च में अंतरिक्ष में पहली बार जियो अमेजिंग सैटेलाइट, जो कि हमारा है GISAT फर्स्ट, ठीक है, का प्रक्षेपण शामिल है। चल रहे 2019-20 वर्ष में इसरो ने 6 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिनमें से 2 को अभी भी लॉन्च किया जाना बाकी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपनी पहली इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जम्मू और कश्मीर जल्द ही अपनी पहली इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड है, ये सही आंसर है। जो इसका उद्देश्य है ये है शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी द्वारा ये घोषित किया गया है और ये एथलीटों के प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण स्थापित किए गए हैं और प्रशासन जम्मू कश्मीर में पानी के खेल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उठाने के लक्ष्य बना रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस बाला फेंकने वाले को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने बाला फेंकने वाले अमित दहिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अमित दहिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन पर सोनीपत के SAI सेंटर में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप 2019 के दौरान नमूना संग्रह से बचने और अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नाडा ने 16 जुलाई 2019 को नाडा के नियम 2.3 का उल्लंघन करने के लिए नोटिस का प्रभार भी जारी किया गया था। नाडा भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं समन्वय निगरानी के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और इसका नाडा का मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। ये सारी चीजें आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रहे 2020 एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत द्वारा कितने रजत पदक का दावा किया गया है? तो भारत ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही 220 एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतने का दावा किया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 5 है, सॉरी जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा सही आंसर है। और इसके साथ साथ में 45 किलोग्राम वर्ग में KVL पावनी कुमारी ने युवा लड़कियों और जूनियर महिला वर्गों दोनों में इसने रजत पदक जीता है। सिद्धांत गोगई ने कुल 145 और 269 किलोग्राम भार उठाकर 61 किलोग्राम वर्ग में युवा लड़कों और जूनियर पुरुष स्पर्धाओं में रजत पदक का दावा किया है। इसके साथ साथ में उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो ताशकंद है और यहाँ की मुद्रा है वो है सोम है, ये इसकी उज्बेकिस्तान की ये मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 17 फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में ये घोषणा की है। कुल मिलाकर यहाँ 16 टीम जूनियर पुरुष विश्व कप में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 टीमें है वो इसमें आएगी, तो ये बात नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने टीमें भाग ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में आर्म्ड डुप्लाटिस ने गलसागो में एक इंडोर बैठक में 6.18 मीटर का विश्व पोल वोल्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, वह किस देश से हैं? तो ये स्वीडन के हैं, ठीक है। और इंडोर की बैठक में ये 6.18 मीटर का विश्व पोल वोल्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो कुछ दिन पहले पोलैंड में स्थापित रिकॉर्ड से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। फ्रेंच वाल्टर रेनाल्ट लिविनिन द्वारा निर्धारित 6.16 मीटर का पुराना रिकॉर्ड 2014 में खड़ा किया गया था, जो कि ये फरवरी 2020 में तोड़ दिया गया है। अक्टूबर 2019 में डुप्लाटिस ने दोहा कतर में IAF विश्व चैंपियनशिप में पोल वोल्ट में रजत पदक जीता था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना, ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर और सिनेमेटिक्स और स्टेज डिजाइनर और कवि और नाटककार थे। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये स्पेन के थे, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये सही आंसर है, स्पेन के थे, ठीक है। और इनका जो जन्म है ये 25 अक्टूबर 1881 को हुआ था स्पेन में, और इनकी डेथ है ये 8 अप्रैल 1973 को उनका डेथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है गुजरात का, ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है गुजरात है, ये सही आंसर है। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में मनाया जाता है, जो एक 9 दिवसीय उत्सव होता है, और गरबा के गाने आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवी के विषय पर होते हैं। सानिदो एक बहुत ही लोकप्रिय गीत का उदाहरण है, सानिदो है वो इस गरबा नृत्य के अंदर गाया जाता है। गुजरात में गरबा की शैलियाँ जगह जगह पर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग टाइप का है वो गरबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गीताजलि लिखी थी? तो गीताजलि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वो कविता का एक संग्रह में वो लिखी गई थी, ये है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये सही आंसर है। और उन्हें इस कार्य के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1913 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कटक में स्थित है और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को कटक के उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, यह संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है और संस्थान चावल के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए काम करता है। संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत काम करता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान है, ये कटक में स्थित है, पुरी के अंदर है, ये जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, शिमला के अंदर है, वो केंद्रीय आलू जो है संस्थान है वो है, और यहाँ धनबाद में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। सारे सारे नोट कर लो, चारों चार क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव थापा निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो शिव थापा पहली बात तो कहाँ के हैं, तो वो है गुवाहाटी असम के हैं और ये एक भारतीय मुक्केबाज है। ठीक है, और ये एक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के साथ भी कार्यरत है। ठीक है, इन उसके साथ में भी ये कार्य कर रहे हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड के साथ में। ठीक है, इसका सही आंसर है मुक्केबाजी, शिव थापा है वो एक मुक्केबाजी खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1947 के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही आंसर है। ब्रिटिश राज का इतिहास है ये 1858 से 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को दर्शाता है। शासन की अवस्था 1858 में की गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के वक्ती में क्राउन में स्थापित किया गया था और 1876 में भारत की महारानी बन जाने की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद 1943 में अधिकृत की गई एक अस्थायी भारत सरकार थी, ये स्थापित कहां पर की गई थी? तो आजाद हिंद है जो फौज है ये 1943 में अधिकृत सिंगापुर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड सॉरी थर्ड है ये सही आंसर है, सिंगापुर सही आंसर है। और ये इसके साथ साथ में जापान, नाजी जर्मनी, इतावली और सामाजिक के गणराज्य और उनके सहयोगी द्वारा समर्थित एवं स्थायी भारतीय सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही आंसर है। वह 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ठीक है, जिनके लेखों ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध है ये कृष्णा नदी के सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही आंसर है। ठीक है, और इसके दाई ओर 290 मेगावाट का एक उत्पादन पावर स्टेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फदंस या सिफिलिस किस एक प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक यौन संचरित रोग है। ठीक है, ये एक यौन संचरित रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये सही आंसर है, यौन संचरित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कॉफी का मुख्य घटक क्या है? तो कॉफी के अंदर होता है कैफीन। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ये सही आंसर है, कैफीन है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजक या उत्तेजित करता है। ये दुनिया के सबसे व्यापक रूप से सेवन की जाने वाली मनोवैज्ञानिक सक्रिय दवा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही आंसर है। तो सो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।